हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको जिसके ऊपर क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग प्लीज़ सिर्फ किसी ऐसे क्रश के लिए देखिएगा जो कि ए कोई सेलिब्रिटी क्रश ना हो, बी ये कोई ऐसा क्रश हो जिसको आपके बारे में भी पता हो, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत उनकी हुई हो, आपके बारे में वो जानते हों। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए जान लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और ये रीडिंग आप किस तरीके के क्रश के लिए देख सकते हैं वो भी मैंने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, इल्यूमिनेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नंबर 3 या नंबर 13 कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में रखता हो। किसी एक का बर्थडे 3rd को होता हो, किसी का 13th को होता हो, किसी का बर्थडे मार्च में आता हो, या फिर एक दूसरे को जाने हुए आप लोग को 3 महीने या 3 साल कुछ हो गया है। फिलहाल क्लियर है यहाँ पर पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस की एनर्जी और इल्यूमिनेशन के साथ की है। जो कोई भी इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है वो आपको और बेहतर समझना चाह रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी आपको शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाया है या उतना अच्छे से नहीं जान पाया है जितना कि वो चाह रहा था या वो चाह रही थी। ये कोई ऐसा क्रश हो सकता है जिसकी शुरुआत दोस्ती से हुई थी, आप दोनों ही फ्रेंड्स हुआ करते थे, अभी भी शायद फ्रेंड्स हैं लेकिन अब फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, अब रोमांटिक फीलिंग्स आ गई हैं, क्रश हो गया है एक दूसरे के ऊपर। आपके दिल में क्या चल रहा है ये उनके लिए पता करना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप दोनों की दूसरे से मुलाकात होती है, जब कभी भी आप दोनों साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं, सो ऑफ कोर्स उस टाइम पर तो आप उनसे हमेशा बहुत अच्छे से ही बिहेव करती हैं या करते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों के ऊपर उनको क्लैरिटी नहीं है और वो आपका हाथ थामना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग इस समय सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो वो इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके आना चाहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो एक संकोच बना हुआ है उनके एनर्जी में, उनके फीलिंग्स में एक हेजिटेशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो बिल्कुल एकदम वल्नरेबल हो जाऊं ग्रुप वन के सामने और सब जाकर के उनको बोल दूं कि मैं उन्हें लाइक करता हूं या करती हूं, मुझे क्रश है उनके ऊपर, और पलट के मुझे पता चले कि ग्रुप वन के दिल में तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे मन का वहम था, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रुप वन भी शायद मुझे लाइक करते हो बट ये तो सच नहीं निकला, तो फिर क्या होगा। तो डर बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आपके क्रश के साथ कि वो किसी को पसंद करते थे और वो इंसान पलट के उनको नहीं लाइक किया या फिर एकदम से चला गया उनकी लाइफ से, तो इस रीज़न से भी वापस वो दाव खेलने में उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, डर लगता है। इनफैक्ट अगर आजकल लोग आपको आके बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्रश जो है आपका, जो भी इंसान है वो आजकल आपके बारे में बहुत पूछ रहा है, जो मिलता है उससे आपके बारे में पूछता रहता है, तो उसके पीछे रीज़न यही है। आप भी सोचते होंगे कि मेरे बारे में क्यों इतनी बातें कर रहा है, मेरे बारे में क्यों इतना पूछ रहा है, तो वो इसीलिए पूछ रहा है बिकॉज वो भांपना चाहता है, वो पता करना चाहता है कि क्या आप उसे पसंद करते हो या नहीं, आप उसके बारे में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आपके क्रश को कि अगर आप उसको पसंद करते हो तो आप उसके बारे में बातें करते रहते होगे। अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं बिना रियलाइज़ किए, तो इन्हीं सब कुछ क्लूज से वो फिगर आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। और ये इंसान बुरा नहीं है फॉर श्योर, जिस किसी के भी ऊपर आपको क्रश हुआ है ग्रुप वन, ये यारों का यार वाली एनर्जी है इस इंसान की फॉर श्योर। किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़े, इनफैक्ट चाहे वो इंसान इनके बहुत ज़्यादा क्लोज ना भी हो, तभी भी जितना इनसे बन पड़ता है किसी की हेल्प करना ये हमेशा करते हैं। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, फॉरेस्ट मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन।
अगर आपको ये डाउट है ग्रुप वन कि आपके क्रश को हो सकता है कोई और पसंद हो, या आपका क्रश उस तरीके का हो जो अपने ऑप्शंस ओपन करके रखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके क्रश का इस समय ध्यान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर है। उन्होंने अपना तीर साधा हुआ है, अभी निशाना छोड़ा नहीं है, बट टारगेट पर आप ही हो। और ये जो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग वाली एनर्जी निकल के आई है वो भी क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर एक्चुअली इल्यूमिनेशन के साथ, कि ऐसा वो क्यों फील कर रहे होंगे। हो सकता है ग्रुप वन कि आप लोग थोड़े सिग्नल्स इधर उधर उनको देते रहते हो इस उम्मीद में कि उनको समझ में आ जाए कि आप उनको पसंद करते हो, बट समस्या ये है आपके क्रश के साथ कि वो सिग्नल पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको खुद ही के ऊपर विश्वास नहीं हो पाते कि जो सिग्नल उन्होंने पकड़ा है वो उनके मन का वहम है या रियलिटी है। मतलब क्या ग्रुप वन वाकई में मुझे देख के स्माइल कर रहा था या मेरे मन का वहम था, वो सभी को देख के स्माइल कर रहे थे और मैं फालतू में खुश हो रहा हूँ कि सिर्फ मेरे को ही देख के स्माइल कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम फंस रही है। इसीलिए वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली आगे करना क्या चाहिए। कैटरपिलर वाली एनर्जी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अगर स्पेशली आप लोग इस समय सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो वो हमेशा सिर्फ फ्रेंड्स आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो इस इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड बनने की कामना वो रखते हैं। और एक इरिटेशन यहाँ पर है आपके क्रश की एनर्जी में, उनको खुद ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं या आपके दिल में क्या चल रहा है, इसीलिए वो इतना इधर उधर पता कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आ सके। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपका क्रश ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा ये एक्शन लेने में, बिकॉज टारगेट ने क्लियर कर लिया है कि थैंकफुली जिस इंसान के ऊपर आपको क्रश हुआ है वो उन लोगों में से नहीं है जो बस बैठकर सोचता रहे, जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो ये इंसान एक्शन भी लेगा। एक दिक्कत और मुझे यहाँ पर दिख रही है, स्पेशली ऑफ कोर्स बिकॉज नंबर थ्री भी यहाँ पर है, अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में ही इस इंसान के दिमाग में शक का बीज बो दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर आप दोनों के बीच में लेट्स से 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 दोस्तों ने तो इनको बोला है कि नहीं ग्रुप वन तुम्हें लाइक करता है या करती हैं, लेकिन क्या बोला था मैंने, हाँ 2 ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बोला है कि लाइक करता है, बट 3 ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो है ही ऐसी, वो तो सभी से अच्छे से बात करती है, वो तो सभी को देख के स्माइल करती रहती है। तो क्योंकि आसपास के लोगों से भी उनको अलग अलग तरीके का ओपिनियन मिल रहा है, इसीलिए बेचारे का कन्फ्यूजन ही नहीं हट पा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप वन कि ये इंसान बहुत खुश फील करेगा जब इन्हें पता चल जाएगा फॉर श्योर कि आपके मन में आपके दिल में इनके लिए क्या है। अब इसका ये मतलब नहीं है ऑफ कोर्स कि आप एक्शन लो उनकी तरफ, क्योंकि वो आपकी फ्री विल है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे सिग्नल्स जो मैं छोड़ रही हूँ थोड़े वीक हैं, इसको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, ये तो कन्फ्यूज हो रहा है, तो आप थोड़े बड़े सिग्नल्स देना चाहें या थोड़ा और डायरेक्ट तरीके से एविडेंट करना चाहें कि आप इनको लाइक करती हो या करते हो, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ग्रुप वन, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्रश आजकल उनसे शायद सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, या फिर शुरू शुरू में तो बड़े अच्छे से बात करता था, अब थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रह रहा है, थोड़ा रूड हो गया है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जब मन होता है अच्छे से बात करता है, जब मन नहीं होता है तो वो बड़े अजीब तरीके से बात करता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने क्लियर कर दिया है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपका क्रश बहुत उस्ताद है अपनी फीलिंग्स हाइड करने में, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो हमने ऊपर ही देख ली थी कि वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, बट उसी के सीध में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो वो अपनी इस इच्छा को हाइड करके रखते हैं, अपनी इस ख्वाहिश को वो आपके आसपास हाइड करके रखते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके साथ, इतना स्ट्रेट फेस बना के आपसे बात करते हैं कि आपको भनक तक ना लग पाए कि इनके दिल में आपके लिए इतने डीप इमोशंस हैं।
और आखिर क्यों वो इतना कोल्ड आपसे बिहेव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. दो रीजंस हैं. पहला रीजन, लाइक आई सेड, ये है कि उनको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, और वो हवा में ख्वाब नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज एक बार शायद ऑलरेडी उनका दिल टूट गया है, टूट चुका है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो दोबारा किसी कनेक्शन में या किसी इंसान के बारे में सोचने में इतना बिल्कुल खो जाएं और कुछ निकले ना उस सिचुएशन का. तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं अपने आप को आपके आसपास. और दूसरा रीज़न जो है यहाँ पर विथ टू ऑफ पेंटिकल्स, वो जो ये आसपास के लोगों ने दिमाग में बीज डाल रखा है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करती हो, वो तो सभी से ऐसे बिहेव करती है, तो ये वन स्टेप अहेड चले गए हैं अपनी सोच में, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को पसंद करते होगे, शायद आपकी लाइफ में कोई और होगा, आपने अपने ऑप्शंस खोले रखे होंगे. और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ ग्रुप वन, कि आपके क्रश को अपने इमोशंस के ऊपर कुछ खास कंट्रोल नहीं है, इन द सेंस कि जब वो आपके साथ होते हैं, आपके आसपास होते हैं, तो वो प्यार आता है उनको आपके ऊपर, और फिर वो एकदम से दिमाग उनका कहीं और चला जाता है कि नहीं नहीं लेकिन मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, मैं क्यों इतना होपफुल हो रहा हूँ, ये तो प्रॉब्ली किसी और के बारे में सोचती रहती होगी, किसी और को पसंद करती होगी. तो एकदम से वो जो चिढ़ है, वो गुस्सा जो है, वो आ जाता है जहन में, और फिर वही उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाता है, और इसीलिए वो आपसे थोड़ा इरिटेट होके या कोल्डली बात करने लगते हैं. लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आने वाले 2 महीनों में शायद वो आपको अपने दिल का हाल बताएं. उससे पहले अगर आपको क्लियरली उनसे बात करनी हो तो आप कर सकते हैं. और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई करके देखा था इनको क्लियरली बताने का कि आप इनको लाइक करते हैं, और इन्होंने आपको बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स दिया था और आप बिल्कुल बुझ गए थे कि अरे ये क्या बात हुई, तो मैं बता दूँ उसके पीछे रीज़न यही था कि इन्हें लग रहा था कि यू आर नॉट सीरियस, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई और है, और आप सिर्फ यू नो उनकी फिरकी ले रहे हैं, सिर्फ मजाक कर रहे हैं उनके साथ, उन्हें ऐसा बोल के कि आप उनको लाइक करते हैं. इसलिए उस वक्त पर उन्होंने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया था और कट डाउन कर दिया था उस कॉन्वर्जेशन को. आप दोबारा ट्राई करना चाहें ऑफकोर्स तो आप कर सकते हैं, वो आपकी फ्री विल है. अदरवाइज सामने से दिख रहा है यहाँ पर कि 1-2 महीने में खुद ही एक्शन ले सकते हैं. ऑल राइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकेंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और ये रीडिंग आपको किस तरीके के क्रश के लिए देखनी है वो मैंने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया था. तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं डेस्टिनी, ट्रूथ और स्ट्रैटेजी. वाओ, ऑल राइट. जिसके ऊपर भी आपको क्रश है ग्रुप टू, उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. अगर आपके दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स हैं बिल्कुल शुरू वाली क्रश वाली, इस इंसान के दिल में आपके लिए पूरा भंडार फीलिंग्स का ऑलरेडी लगा हुआ है. और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ट्रूथ के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स है जो कि बहुत टाइम तक शायद इस कनेक्शन से या फिर अपनी फीलिंग्स से भागा है. वो ये मानने को ही नहीं तैयार था कि उसका दिल आपके ऊपर आ गया है, वो ये मानने को ही नहीं तैयार था कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग गई हैं. लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली अगर आप ये ट्रूथ वाले कार्ड को देखोगे तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, कोई फूंक मार रहा है यहाँ से, इतनी तेज़ हवा है कि पेड़ बिल्कुल उड़ा जा रहा है. सो ओवर टाइम जो इंटेंसिटी थी इनके दिल में आपके लिए इमोशंस की, वो इंटेंसिटी इतना बढ़ती चली गई, वो इमोशंस इतना बढ़ते चले गए कि अब ऐसी स्टेज आ गई है कि ये भाग नहीं पा रहे हैं उन इमोशंस से. तो अब जा करके ये रियलिटी फेस कर रहे हैं, और इनका ऐसा मानना है यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड के साथ कि कुछ कनेक्शन आप दोनों का है, एक ऐसा कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं ग्रुप टू, जिसको कि वो शायद ना तो खुद बहुत ढंग से समझ पाते हैं ना किसी और को एक्सप्लेन कर पाते हैं. इनफैक्ट हो सकता है कि जब कभी भी आपकी इस इंसान से बात होती हो, आधे टाइम आपको समझ ही में नहीं आता है ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं,
और फिर खुद ही वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, बात को कहीं का कहीं ले जाते हैं, घुमा फिरा कर बोलते हैं, और आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि भाई क्या बोलना क्या चाहता है ये पर्सन, क्या करना चाहता है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ट्रूथ के साथ कि अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपने ऑलरेडी इस इंसान को कन्फेस कर रखा है, आपने इनको बता रखा है कि आपको इनके ऊपर क्रश है, हो सकता है उस वक्त भी इन्होंने आपको बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया हो और कुछ दिन तक शायद आपको अवॉइड भी किया हो, ये भी मुझे बताया जा रहा है। बिकॉज मोस्ट लाइकली उस टाइम तक इनको खुद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी दैट दे हैव फॉलन फॉर यू, कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, आप क्योंकि वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो नहीं भाग पा रहे हैं अब उन फीलिंग्स से दूर, इसीलिए यहाँ पर अब हमें दिख रहा है उनके कारण फीलिंग्स में स्ट्रैटेजी के साथ कि अब वो तिकड़म लगा रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि अपने दिल की बात आपको कैसे बताएं, कैसे वो आपको कन्फेस करें, कैसे आपको बोलें कि उनको आपके ऊपर क्रश हो गया है, वो आपको पसंद करने लगे हैं। इसी की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आजकल चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल ये तो चुपचाप से रहते हैं, मुझे देखते तो रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, कॉल्स नहीं रिटर्न कर रहे हैं, मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे चिढ़ तो नहीं गए, कुछ मैंने तो नहीं कुछ बोल दिया जिससे गुस्सा हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एकांत चाह रहे हैं सोचने के लिए कि वो आगे प्रोसीड कैसे करें इस कनेक्शन में। और एक बात बता दूं यहाँ पर ग्रुप टू, क्योंकि मुझे अभी ये मैसेज मिला है, आई डोंट थिंक कि इस इंसान ने किसी से भी ये अपने दिल का सच शेयर किया है कि वो आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं उनके अंदर, किसी को नहीं बताई है ये बात उन्होंने। और क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया, इसलिए हो सकता है अगर आप किसी को बोलते रहते हो कि मुझे इस इंसान के ऊपर क्रश है, तो लोग उल्टा आपको बैठाकर समझाने लगते हो कि अरे क्यों, क्या फ़ायदा, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, कभी तुम्हारे बारे में बात नहीं करता है, इमोशंस बहुत हैं, बस दिल में रखता है वो पर्सन, और किसी को क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है इसीलिए बस किसी को पता नहीं है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये कनेक्शन भी, ये फीलिंग्स भी धीरे धीरे ग्रो ही की हैं इनके दिल में आपके लिए। इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस एक्सटेंट तक आप इनको पसंद आ जाओगे। और ये भी मुमकिन है यहाँ पर गोल्ड फिश के साथ कि जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए थे, जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात बात करना चालू किया था, उस वक्त पर हो सकता है इधर उधर बहुत फ्लर्ट करते रहते हों, हर किसी से ही हा हा, हर किसी से बात बात करते रहते थे, बट अब वो चीज़ उन्होंने खुद ही धीरे धीरे ख़त्म कर दी, क्योंकि अब वो आपको लेकर सीरियस हो गए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मुलाकात किसी लॉ कॉलेज में हुई हो, या आप दोनों में से कोई एक बाय प्रोफेशन लॉयर हो, बाय क्वालिफिकेशन लॉयर हो। फायर के कार्ड ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि लव, पैशन, सारे ही फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं आपकी तरफ, रोमांटिकली ऑफ कोर्स इंक्लाइंड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है, लव भी यहाँ पर इक्वली मौजूद है। हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज हो, लेकिन क्योंकि गैवल है यहाँ पर, लॉ की बात हो रही है, स्केल से रिलेटेड है, एंड ऑफकोर्स गोल्ड फिश भी है, या तो ये इंसान वेट कर रहा है कि ये पहले आपके लायक हो जाए, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज में थोड़ा पैसों का बराबरी का मामला ना हो, इनके मुकाबले आप थोड़े ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी सैलरी इनकी सैलरी से ज़्यादा है, या फिर ये खुद अभी उतना नहीं कमाते हैं जितना कि ये चाहते थे। किसी ना किसी मामले में तो ये अपने आप को आपसे थोड़ा 19-20 कम समझ रहे हैं, और हालांकि इनकी फीलिंग्स कम होते हुए नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ शायद कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे एक्शन में। कहने का मतलब ये है कि जब ये अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं ग्रुप टू के लायक हूँ, अब ग्रुप टू मुझे गर्व से अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, शायद उस टाइम पर ये आपकी ओर एक्शन लें।
एंड ऑफ कोर्स हो सकता है आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ना हो इनसे, आपने कभी भी इनसे इस तरीके की बात नहीं की है, कभी भी पैसों वैसों का डिस्कशन आप लोग के बीच में नहीं हुआ है, इतने आगे तक की कभी भी बात नहीं हुई है, ये सब इनके मन की चीज़ है। क्योंकि स्ट्रैटेजी कार्ड ने क्लियर कर दिया कि ये ना थोड़ा ओवर थिंकर टाइप का इंसान है, ये बहुत सोचता है, बहुत आगे की सोचता है। तो अभी बताया तक नहीं है इसने आपको कि आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन पहले ही इतना आगे का सोच लिया कि मैं कैसे ग्रुप टू की फैमिली से मिल पाऊंगा, अभी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अभी तो मैं उतना सक्षम नहीं हूँ और ये सब। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द स्टार, द हर्मिट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स इंटरेस्टिंग कि आपकी रीडिंग का पहला और आखिरी दोनों ही कार्ड्स डेस्टिनी के हैं। तो जो चीज़ इस इंसान को लगती है कि शायद हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो किस्मत से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको ना वो एस्केप कर सकते हैं, ना आप एस्केप कर सकते हो ग्रुप टू। इनफैक्ट अभी वो आपकी ओर कोई शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, लेकिन मन ही मन जब आपके बारे में सोचते हैं मुस्कुराते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं खुश हो जाते हैं, और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में बहुत सपने भी आते हैं इनको। इनफैक्ट हो सकता है ये ड्रीम्स के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट करते रहते हों। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हर्मिट ने इंडिकेट कर दिया कि ये जो अभी नो एक्शन एनर्जी चल रही है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। एक टाइम आएगा जब ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेगा, एक्शन भी लेगा और अपने शेल से बाहर भी निकल के आपको खुद सामने से कन्फेस करेगा कि आपके लिए फीलिंग्स रखता है। बट ऐसा सिर्फ तब होगा जब इस इंसान की पर्सनल वेल्थ इंक्रीज हो, जब इनकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए या इनकी तनख्वाह बढ़ जाए, या फिर जब इनको इस बात का यकीन हो जाए कि अब ये आपके बराबरी के हो गए हैं, या अब ये आपके फैमिली को फेस करने लायक रेडी हो गए हैं। उससे पहले अगर लेट्स से आपने अपनी तरफ से इनको कुछ बताया या कोई एक्शन लेने की कोशिश की, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई खास रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने पहले भी चैनल किया था अभी कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने दिल का हाल इनको बताया हुआ है, कुछ खास रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं था। वही साइकिल कंटिन्यू होगी, क्योंकि उस साइकिल को ब्रेक यही इंसान करेगा, आपका क्रश ब्रेक करेगा उस साइकिल को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी ओर एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और को पसंद करते हैं, तो मैं बता दूं ये हर्मिट की एनर्जी में चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लव है, पैशन है, जो इंटेंसिटी है इमोशंस की, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है और किसी के लिए नहीं है। और इस समय इनका सारा ध्यान केंद्रित है सिर्फ अपने आप को आपके लिए एक बेहतर पर्सन बनाने में, एक और एक ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा केपेबल, ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनाने में इनका ध्यान लगा हुआ है। इनफैक्ट अगर आपने ये चीज़ नोटिस की, और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप टू, स्पेशली अगर आप लोग की मुलाकात एक दूसरे से कॉलेज या ऑफिस में हुई है, अगर आपसे बातचीत स्टार्ट होने के बाद आपने नोटिस किया है कि ये इंसान सडनली पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो गया है, या प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स को लेके, या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत एकदम से सीरियस हो गया है, तो उसके पीछे का रीज़न आप हो, क्योंकि ये आपको, क्योंकि ये खुद को आपके लिए रेडी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आपसे मिलने के बाद इनको ये इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे ग्रुप टू के लायक बनना है, तब तो जाके मैं अपनी फीलिंग्स बता पाऊँगा या बता पाऊँगी। ऑल राइट ग्रुप टू, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आप किस तरीके के क्रश के लिए देख सकते हैं वो मैंने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो ओरेकल्स निकले वो हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, नंबर 7 या 4 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस इस कनेक्शन में रखते हो। किसी का बर्थडे जुलाई में होता हो, किसी का अप्रैल में, आप में से किसी एक का डेट ऑफ बर्थ 7 हो, किसी का 4, या फिर आप दोनों में 4 साल का एज गैप है। ओके, ये भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जिसको आप अपनी फैमिली के थ्रू जानते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड का बेटा या बेटी, उस तरीके से।
ये इंसान जो क्रश है आपका, वैसे तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपके सामने इनकी सारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वैसे तो बिल्कुल शेर के जैसे घूमता है यहाँ वहाँ फुल कॉन्फिडेंस में, बट आपको देखते ही गीदड़ बन जाता है, आपको देखते ही शर्माने लगता है, और बहुत एविडेंटली शर्माता है। ऐसा भी नहीं कि हाइड कर रहा हूँ, दिखता है शक्ल पे कि बिल्कुल गाल लाल हो रखे हैं, आंखें बचा रहे हैं आपसे, फंबल हो सकता है मारने लगते हो आपसे बात करते टाइम। और मुझे लगता है ग्रुप थ्री कि आपको मालूम है ये बात कि आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट कर रखी हैं इस इंसान ने, जैसे आपको उनके ऊपर क्रश है वैसे उनको भी आप पसंद हो। बस आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, ये कुछ करते क्यों नहीं है, क्यों अपने मन में ही सारी फीलिंग्स लेकर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, मुझे बताते क्यों नहीं है सामने से खुल के कि कैसा फील करते हैं। और पेशेंस एंड प्लानिंग ने क्लियर कर दिया है कि ये कोई आपका आज का हाल ही का बना हुआ क्रश नहीं है, शायद या तो ये कोई ऐसा शख्स है जिसको बचपन से आप पसंद करते हैं, बचपन से ही आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फिर साल हो चुके हैं इस चीज़ को आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश हुए। और बहुत टाइम, अगर साल नहीं भी हुए हैं तो भी एटलीस्ट बहुत महीनों से आप वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से हिंट्स पे हिंट्स दिए जा रहे हैं, हो सकता है एक दो बार आपने थोड़ा डायरेक्टली भी इनको अप्रोच करने की कोशिश की हो, डायरेक्टली पूछने की कोशिश की हो कि क्या चल रहा है इनके मन में, क्या चाहते हैं, बट ये कभी आपको कुछ बताते नहीं हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में, आपके क्रश के करंट फीलिंग्स में दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहला तो ये कि वो आपको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, इस हद तक कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं, आपके साथ शादी, बच्चे, घर परिवार सब कुछ वो ऑलरेडी इमेजिन करके बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़, वो आपको लेके सीरियस हैं, और इस हद तक सीरियस हैं कि वो एक भी गलत मूव नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिस वजह से इस कनेक्शन का फ्यूचर बिगड़ सके, बनने से पहले ही बिगड़ सके। ये इंसान बड़ा केयरफुली प्ले कर रहा है अभी। इनफैक्ट अगर कभी आपके और इनके घर वाले आसपास होते हैं तो शायद ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगते हैं आज आपको जानते ही नहीं है, आज इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और उस टाइम आपको बहुत इरिटेशन होता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो बड़ा मुझे देख के मुस्कुराते रहता है, शर्माते रहता है, और जैसे ही इसके घर वाले या मेरे घर वाले आसपास होते हैं बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है एज इफ हम स्ट्रेंजर्स हों। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान किसी मौके की तलाश में है, कुछ ऐसा है जो अभी इनको ब्लॉक कर रहा है, और जैसे ही वो रास्ता साफ हो जाएगा उसके बाद शायद ये जहाँ छुपे हुए हैं वहाँ से बाहर आ सकें, खुल कर आपकी ओर एक्शन ले सकें। ओके, सो लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन इनके बारे में निकल रही है। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। दो मैसेजेस हैं यहाँ पर। ये इंसान आपको पसंद करता है लेकिन कोई एक्शन ले नहीं रहा है, और ऐसा क्यों है कि फैमिली के सामने आने से एकदम से ये अजीब बिहेव करने लगते हैं, उसके पीछे दो क्लियर रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि इनकी अपनी फैमिली से नहीं बनती है, इनकी फैमिली ने हो सकता है बड़ी ही पिक्चर परफेक्ट एक इमेज क्रिएट कर रखी हो दुनिया के सामने कि भाई हम तो बड़ा क्लोज हैं, हमारी फैमिली में सब कुछ बड़ा हैप्पी हैप्पी है, हम सारे लोगों के बीच में आपस में बड़ी अच्छी इक्वेशन है, हम तो अपने बच्चों को बहुत समझते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सब ढोंग है, वो सब दिखावा है। घर की चार दीवारी के अंदर की कहानी बहुत बहुत अलग है। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है ग्रुप थ्री कि आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर ये कोई फैमिली फ्रेंड वाला ये सीन है, तो आपके क्रश के जो भी सिबलिंग हैं, आपके क्रश के जो भी भाई बहन हैं, वो ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि आपके क्रश की अपने पेरेंट्स से नहीं कोई खास पटती नहीं है, नहीं बनती है। और आपके क्रश, आपके जो क्रश हैं वो अपने पेरेंट्स को अपने एनिमीज़ के जैसे देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने मम्मी पापा को बता दिया ग्रुप थ्री के बारे में
तब तो डेफिनेटली वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर लेंगे कि मेरी मुझे जो खुशी मिलेगी जिस इंसान के साथ उससे तो मेरी शादी फिर डेफिनेटली नहीं वो होने देंगे, चाहे वो उनके दोस्तों की बेटी क्यों ना हो या उनके दोस्तों का ही बेटा क्यों ना हो, फिर भी वो मेरी ग्रुप थ्री से शादी नहीं होने देंगे। और हो सकता है कि आपका क्रश अभी या तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी आपका क्रश पढ़ाई ही कर रहा है, अभी उनकी जॉब वॉब नहीं लगी है, या फिर अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी गए हैं तो भी अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाने लग गए हैं कि वो एक फैमिली का खर्चा उठा सकें, एक दूसरे पर्सन का खर्चा वो उठा सकें। और बोल मुझे बता रहा है कि आपका क्रश आपको इतना पसंद करता है कि वो आपको दुनिया की हर लग्जरी, हर खुशी देना चाहता है, किसी चीज़ से आपको डिप्राइव नहीं रखना चाहता है, इसीलिए शायद आपका क्रश इतना टाइम ले रहा है कोई सॉलिड एक्शन लेने में, बिकॉज ए वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, एंड बी क्योंकि वो अपनी फैमिली को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस लायक हो सकें कि एक फैमिली आपके साथ स्टार्ट कर सके, उसको अफोर्ड कर सके और अच्छे से आपको रख सके, आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। और ये जो मनी पाथ की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, हो सकता है आपके क्रश ने ऑलरेडी इस गोल की ओर काम करना स्टार्ट कर दिया हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या अपनी जॉब में ही वो इंटरनल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इस चीज़ के ऊपर वर्क करना, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है कि उनकी लाइफ में और पैसे आ सके। सो भला ही वो आपकी ओर एज सच कोई एक्शन ना ले रहे हों, लेकिन आप दोनों के फ्यूचर की ओर एक्शन लेना उन्होंने अभी से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स निकले हैं। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द मून। सो मून और टावर ने क्लियर कर दिया है कि ये बड़ी हिडन एनर्जी यहाँ पर है, कि बाहर तो बड़ी पिक्चर परफेक्ट इमेज है फैमिली की, 10 ऑफ पेंटिकल्स सब कुछ अच्छा, बट रियलिटी जो हिडन है वो है टावर की एनर्जी की, चीज़ें घर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि इनकी फैमिली के पास पैसे भी ना हो, वो लोग उधार ले करके अपनी इमेज मेंटेन किए हुए हो, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकता है आपके क्रश के ऊपर हो कि पैसे कमाने हैं, लोन्स पे ऑफ करने हैं, फिर उसके बाद ही सोच सकते हैं शादी का। लेकिन यहाँ पर हैप्पी फैमिली और टेन ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जीज दो बार निकल के आई हैं, तो इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि आपका क्रश आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन कर रहा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कामना रखता है कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सेटल डाउन होना है। लेकिन ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी लाइफ में अभी खुद नाम मात्र की स्टेबिलिटी है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, उन्हें डर रहता है इस बात का कि कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं है, और क्योंकि अभी खुद की हालत ऐसी हो रखी है, घर की हालत ऐसी हो रखी है, तो इस मेस में वो आपको घसीटना नहीं चाहते। खुद तो जल ही रहे हैं सब लोग घर पर, वो नहीं चाहते हैं कि आप भी इसी में घसीट आ जाओ, इन लपटों में आप भी इनकी चपेट में आ जाओ, इनकी वजह से या इनके घर वालों की वजह से आपको कुछ दुख हो, आपको कोई प्रॉब्लम उठानी पड़ जाए, तो इसीलिए अपने फीलिंग्स उन्होंने अभी हाइड करके रखे हुए हैं। लेकिन हाइड करके रखने का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, एंड लाइक आई सेड कहीं ना कहीं इनके एक्शन से इतना तो आपको भी क्लियर है कि फीलिंग्स हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप दोनों के इंट्यूशन ने आप दोनों को कनेक्टेड रखा हो, आपके ड्रीम्स ने आप दोनों को कनेक्टेड रखा हुआ है, ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मैसेजेस देते हैं, एक दूसरे से संबंधित साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आप दोनों को दिखाई देते रहते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर इनका कोई भाई बहन नहीं भी है जिसने आपको बताया हो कि इनके घर में चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो आपके इंट्यूशन से आपको खुद ही थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है जितना सबको लगता है, और लाइफ परफेक्ट करने के चक्कर में ही ये अभी पड़े हुए हैं। पहली प्रायोरिटी वो है कि पहले पटरी पर गाड़ी आ जाए, उसके बाद आपको गाड़ी में बैठाने के बारे में सोचेंगे वो। और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जिस दिन ये इंसान अपने डिज़ायर्ड इनकम पर पहुँच गया और घर पर हालात ठीक हो गए, उसके बाद ये अपनी फैमिली की परमिशन का भी वेट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर आएगा, अपनी फीलिंग्स हाइड करना बंद कर देंगे और सामने से आकर आपका शादी के लिए हाथ मांगेंगे या अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे। और अगर आप बोलोगे कि पेरेंट्स से मिलो तो ये
हिचकिचाएंगे नहीं उस चीज में. इनफैक्ट आपके अलावा और किसी को वो इमेजिन भी नहीं कर सकते इस समय अपने स्पाउस के रूप में. तो ऑलरेडी वो अपने आप को आपका फ्यूचर स्पाउस मानकर ही चल रहे हैं और आप दोनों के कंबाइंड बेटर फ्यूचर की ओर ही काम कर रहे हैं. ऑलराइट ग्रुप थ्री, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आप सभी बार मिलती हूँ, बाय.